डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल। देखिएगा, ये पुलिस एकेडमी रिक्रूटमेंट 2023 के कुछ वैकेंसी निकल के आया है, तो ये पोस्ट ऑफर हो रहा है। कुक, ड्राइवर, एमटीएस ग्रुप सी के पद है। एलिजिबिलिटी 10th पास के कैंडिडेट के लिए, और इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ पुलिस वार्ड जहाँ पे जुड़ा है उसमें कुछ एबिलिटी टेस्ट वगैरह देना पड़ता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, 1600 मीटर रेस 6:45 में करना है, एज 18 से 33। तो ये सब चीज़ और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ये डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर तक कर सकते हैं। तो चलते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में जाने से पहले जो दोस्त लोग हरिदास हल्दार यूट्यूब चैनल में नया विजिट कर, उनके लिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड सिलेक्ट ऑल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एट फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, चलते सब्जेक्ट में। फर्स्ट डिस्कस करेंगे आप लोगों ये वैकेंसी डिटेल किए सर। देखिएगा ये देखिएगा ये फर्स्ट ये नोटिफिकेशन नंबर नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी ये एस्टेब्लिशमेंट ऑब्लिक 377। ये जो नोटिफिकेशन नंबर कोई भी ये नोटिफिकेशन अपने तरफ से भी एग्जामिन कर लेना, हम विकिपीडिया से लिया हूँ, तब भी आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा। ये डेट है 4 सितंबर 2023 का। एडवर्टाइज फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन विल बी हेल्प टू फिल अप द फॉलोइंग 10 पोस्ट। देखिएगा ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, तब भी परमानेंट ये है, इसलिए आप लोगों के साथ 10 पोस्ट टेम्पोरली इन नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। दिस पॉइंट्स आर इन द पे स्केल आर एज पर द पे मैट्रिक्स ऑफ 7 CPC मेंशन अगेंस्ट ईस्ट पोस्ट एंड अलाउंसेस विल बी पेड एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक दिया जाएगा। देखिएगा इसमें ऑफर हो रहा है, जैसे एमटीएस कुक के लिए ऑफर, ओबीसी के लिए 1 टोटल 1, पे लेवल 10 1 देर 1800, ये बेसिक पे 1800 रुपया से स्टार्ट है, और लगभग 32,000 अलग अलाउंस वगैरह लेके। उसके बाद ये एमटीएस धोबी इसके लिए 1 है अनरिजर्व, टोटल 1 है, वो भी सेम पे स्केल है। और 3 लाइफ गार्ड ये भी 2 है, ये अनरिजर्व के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा ये 4 नंबर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक 1 है, ये अनरिजर्व के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कांस्टेबल बैंड के लिए 1 है, अनरिजर्व 1, ओबीसी 1, एससी 1, टोटल 3 सीट है। उसके साथ देखिएगा 6 नंबर में ये ऑफर हो रहा है, ये कांस्टेबल जीडी 1 टोटल, और इसमें देखिएगा कांस्टेबल जीडी में इसमें एससी 1 और अनरिजर्व 1 टोटल 2, ये भी पे स्केल सेम रहेगा। तो टोटल 10 सीट वैकेंसी निकल रहा है। तो इसमें देखिएगा द नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी, इफ द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वेरिफिकेशन ऑफ द पेपर ETC इज नॉट कंप्लीटेड ऑन 31/11 ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अदर रीजन। तो ये जो एक्स्ट्रा जोड़ने का एक्सपेक्टेंस देखेगा क्वालिफिकेशन इधर देख रहे हैं, एमटीएस कुक के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अदर क्वालिफिकेशन जैसे कि कुक के लिए होने जा रहा था ये नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द डिशेज इन किचन और वेरियस मैसेज विथ मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस अगर किसी के पास हो तो ये अदर क्वालिफिकेशन ये मस्ट हैव क्वालिफाइड द टेट टेस्ट। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा एज एंड रिलैक्सेशन 18 से 25, बाकी रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के मुताबिक रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और बाकी देखिएगा एमटीएस धोबी के एजुकेशन 10th पास, एज 18 से 25, और अदर क्वालिफिकेशन देखिएगा मेट्रिकुलेशन अदर क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ वॉशिंग एंड आयरन ऑफ क्लॉथ, ये सब चीज़ थोड़ा आयरन वगैरह आना था, मस्ट हैव क्वालिफाइड इन द टेट टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा ये कोई हार्ड नहीं है, अगर
उसके बाद देखिएगा इसके बाद लाइफ गार्ड, लाइफ गार्ड अच्छा एजुकेशन ये मैट्रिकुलेशन एंड इक्विवेलेंट आपके पास ये सर्टिफिकेट इज स्विमिंग। देखिएगा लाइफ गार्ड एंड स्विमिंग आप उसी के जिस काम पे जो स्विमिंग आना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कोई स्पोर्ट्स में अच्छा 2 ईयर्स पार्टिकुलर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ गार्ड और स्विमिंग जॉब इन गवर्नमेंट और कमर्शियल अगर कोई ऐसे टाइप का एक्सपीरियंस है तो देख सकते हैं। डिजायरेबल डिप्लोमा इन स्विमिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी अच्छा कोई डिप्लोमा होल्डर होता है तो एज 18 से 25 इतना ही है। कांस्टेबल मोटर मैकेनिक मोटर मैकेनिक देखिएगा ये एसेंशियल कॉलेज है मैट्रिक पास उसके साथ देखिएगा डिप्लोमा मोटर मैकेनिज्म और शुड बी प्रेस्क्राइब विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चीज़ 18 से 27 उम्र होना चाहिए एक्सपीरियंस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस तो ये सब आप बाकी देखिएगा कोई एक पुलिस वार्ड जहाँ पे जुड़ जा रहा है उसमें आप लोगों को कुछ जैसे ये हाइट होना चाहिए 170 से 170 सेंटीमीटर फीमेल के लिए 157 एसटी के थोड़ा छूट हो गया 162.5 और 150 इसमें फीमेल के लिए कैंडिडेट भी एसटी यानी एसटी वगैरह होने चाहिए और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए 147.5 और कैंडिडेट कैटेगरी है गोरखा इसका 165 और 155 ये सब मिलेगा और बाकी देखिएगा उसके साथ और कुछ देखिएगा इसमें गोरखा वगैरह इसमें तो है बाकी अपने तरफ से भी थोड़ा कोई भी नोटिफिकेशन अपने तरफ से देख लीजिएगा। और जनरल इसमें जनरल देखिएगा चेस्ट जनरल और ओबीसी एससी के लिए 180 आप चेस्ट फुला के 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है और एसटी के लिए 176 आप फुलाना है 76 से 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ता है। कैंडिडेट कैटेगरी और ये रेजिमेंट जो कैटेगरी में आता है ये गोरखा डोगरा वगैरह उसमें 78 और 5 सेंटीमीटर और उसके बाद देखिएगा कैंडिडेट हीलिंग के लिए 77 और 75 बाकी वेट वगैरह देखे कांस्टेबल बैंड 10th पास फॉर्म ए रिकॉग्नाइज इन्वेस्टन पासिंग ये सब चीज़ और ये देखिएगा फिजिकल थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा इसमें देखिएगा फिजिकल मिनिमम हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह ये सब देखिएगा फिजिकल फिटनेस के लिए ये आप लोगों को कुछ देखिएगा चैनल ये तो सब मेजरमेंट लमसम सब एक ही है। आधार एलिजिबिलिटी एज देखिएगा एज विल बी रिकॉग्न एज इन द डेट देखिएगा 21/11/2004 पोस्ट फॉर ऑल पोस्ट 21 नवंबर 2023 के मुजदार पे और एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी के हिसाब से मेथड ऑफ सिलेक्शन मेथड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा मेथड ऑफ सिलेक्शन इसमें मेंशन कर रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन फिजिकल पीटी होगा देखिएगा रनिंग 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में कवर करना पड़ेगा ये कांस्टेबल बैंड कांस्टेबल जीडी एंड कांस्टेबल एमटी मैकेनिक के लिए और फीमेल के लिए 100 मीटर मैक्सिमम रनिंग मैक्सिमम टाइम 6 मीटर और इसी के लॉन्ग जंप 11 फीट 3 सेंटीमीटर और मिनिमम 9 सेंटीमीटर 3 चांसेस दिया जाएगा और हाई जंप 3.5 फीट और इसमें अच्छे के 3 फीट लेडीज़ के लिए 3 चांसेस दिया जाएगा ये सब चीज़ है। और फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जाम पीएससी ये देखिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पीएससी द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी फ्लैट फुट वेरिकोस वेन और
क्विटिन आइस, देखिए ये सब चीज़ नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ आइस लाइट भी एज पर द एग्जिस्टिंग प्रेस्क्राइब नॉर्म्स इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम जो दिया जाता है रिटर्न एग्जामिनेशन। देखिए एक रिटर्न एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट। देखिएगा ये जनरल अवेयरनेस टेस्ट देना पड़ेगा, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क और उसके बाद नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और जनरल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25। टोटल 2 घंटा मान लो एक घंटा 120 मिनट 120 मिनट में आपको ये कवर करना पड़ेगा इतना ही। और बाकी डिजायर स्किल स्टेट टेस्ट देना पड़ेगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी पुट थ्रू द रेस्पेक्टिव स्टेट टेस्ट देना पड़ेगा। तो इंडिकेट द सिलेबस एंड रिटर्न एग्जामिनेशन, ये सब आप लोग अपने तरफ से देख लीजिएगा। जनरल इंग्लिश और डिटेल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन वेन्यू देखिएगा, वेन्यू ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वेन्यू ऑफ द कहाँ से देखिएगा, ये वेन्यू ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पुलिस अकेडमी उमा डिस्ट्रिक्ट RI, ये इसी वेन्यू में। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को आप लोग थोड़ा अपने उसके साथ देखिएगा। ये एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा है और एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा को भी आप लोग डाउनलोड करके डाक के द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, तो ये ऑनलाइन भरना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण, डाक के द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, ये कम टू द पॉइंट, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, कीप इन माइंड। अच्छा भाई लोग देख लीजिएगा, ये डी कैटेगरी में द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट बिफोर 1100 आवर्स ऑन द डेट ऑफ रिक्रूटमेंट, दैट इज 21/11/2023। ये देखिएगा 21/11/2023 में आप लोगों को फिजिकली 11 बजे से पहले रिपोर्ट करना है। अच्छा भाई लोग, ये आप लोग थोड़ा ये रैली के द्वारा देखिएगा, वो जो वेन्यू दिया गया वेन्यू में एप्लीकेशन एज पर द एनेक्सर 1 के मुताबिक टू फिल अप एंड ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट शुड बी ब्रॉट ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट रैली एज पर द डेट मेंशन बाय अबव ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट शुड बी अटैच्ड, दे शुड कैरी ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द फोटोकॉपी ऑफ द सपोर्टिंग एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो ये सब चीज़ आप लोग जो रैली के मुताबिक ओपन रैली में होता है। देखिए भाई लोग, ये बढ़िया कम वैकेंसी है, लेकिन इसमें कम वैकेंसी बोलते बहुत ज़्यादा आदमी जाता नहीं है, लेकिन आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और कोई एक जगह फिक्स हो जाए उसके बाद आप लोग एग्जाम देते ये हो जाए, लेकिन कोई एक गवर्नमेंट का स्टैम्प अपना ले लीजिए, उसके बाद आप एक्सपीरियंस तरफ और पत्र रहिए और बढ़िया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, भारत माता की जय। प्यारा सा लाइक कमेंट और कोई क्वारी हो तो हमारा कमेंट करिए, मैं पक्का रिप्लाई देंगे। ओके, जय हिंद। आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को ले आते रहेंगे। जय हिंद।